आज का लेक्चर बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पे क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक एनसीआर के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को टॉपिक को डिस्कस कर लिया था तो कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो बेटा बिगिन कर रहे हैं आपके साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर को जिसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है मेन पॉइंट इज डैट वॉट इज दैचुरल नंबर तो आप सबको याद ही होगा नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं और वन वन के डिफरेंस पर रन करते हैं और ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं तो हेयर वी कैन से डेट वन टू थ्री फोर अप टू एन फॉर्म्स एन ए पी वाई एम सीइंगेट कि इसने ए पी को जनरेट कर लिया है क्योंकि द रीजन फॉर डैट इज वेरी क्लियर कि इस लिस्ट ऑफ नंबर को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस भी वन है फर्स्ट टर्म वन है कॉमन डिफरेंस वन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म एन ही है इट मीन्स जो एन एड टर्म है वो भी एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म भी एन है इट मीन्स ए एन टर्म इज ऑल्सो एन लाइक अगर मैं कह दूँ शुरू की दस टर्म है तो एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टोटल नंबर ऑफ टर्म भी टेन हो गई और लास्ट टर्म टेन हो गई तो इन अ वेरी सेम मैनर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ए भी पता है डी भी पता है नंबर ऑफ ऑफ टर्म्स भी पता है इवन लास्ट टर्म भी पता है दिस इज ऑल्सो नोन एज लास्ट टर्म नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम सिंस वी नोट एट टू फाइंड आउट दी सम ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी वी नीड टू यूज अ फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज हो सकता है एन अपॉन टू ए प्लस एल इवन बेटा दिस इज दन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें आप सम का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेना द लास्ट कंक्लूडेड आंसर रिमेन दिस सेम एंड हेयर वी डिसाइड एंड यूज दिस फॉर्मूला ओनली नाउ द आंसर बिकम एन बाई टू ए प्लस एल एंड एल इज एन तो इसलिए मेरे पास जो पर्टिकुलर रिजल्ट आ गया इस सम का वो आ गया बेटा एन अपॉन टू वन प्लस एन तो था बहुत सिंपल से और इजी सा क्वेश्चन विद इन अ मिनट ही ओवर हो गया इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारे को नेचुरल नंबर्स की सीरीज चाहिए नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होगा वन से तो सीरीज बिकम वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू एन टाइम बिकॉज ऑफ दिस लिस्ट ऑफ द नंबर इट इज क्लियर डेट ये एक ए है जिसकी फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन डिफरेंस भी वन है और एज वी ऑब्जर्व डैट देर आर टोटल एन नंबर ऑफ टर्म्स इट इज ऑलरेडी मैंशन इन योर क्वेश्चन देर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स इवन उसका जो लास्ट टर्म है वो भी एन ही है तो बिकॉज ऑफ दिस होल बेसिक इंफॉर्मेशन वी कंटिन्यू अवर क्वेश्चन एंड फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टू लेक्चर नो बेटा वी आर मूविंग एंड गेट दिस रिजल्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन जिसमें हमारे पास है एक ए पी है आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ दिस इक्वेशन इज गिवन वन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन टू अस एज वन फोर सेवन अप टू एक्स है रिजल्ट वन सेवन नाइन और आपको वन सेवन सिक्स एंड आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स So when you look this question carefully, you will observe that ki there is a sequence, there is a series given to us. plus a series In this given series, the first term of this series is 1. Common difference is 4 minus 1, that is 3. And this represents its last term as well as the sum of whole AP is 176. वाई आई एम कैल्कुल कंक्लूडिंग इसका सम है ये वन सेवेंटी सिक्स बिकॉज इट इज़ मैंशन दैट कि इन सब का सम इक्वल टू वन सेवनटी सिक्स है तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे सम पता है फर्स्ट टर्म पता है कॉमन डिफरेंस पता है मुझे एक्स एज अ लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मैंने आपके लिए इस बार जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो किया एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ सम तो वी यूज दैट फॉर्मूला है वन सेवनटी सिक्स इक्वल टू एन बाय टू टू इंटू वन एन माइनस वन इंटू थ्री इट मीन्स वन बाय वन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन दिस क्वेश्चन सो टू गेट फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वन सेवनटी सिक्स एन बाय टू टू प्लस थ्री एन माइनस थ्री इज दिस ओके दिस इज दिप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन हम सिर्फ सिर्फ इसे आराम से सिंपलीफाई करके चल रहे हैं आप एक बार रीचेक कर लो विद द हेल्प ऑफ द गिवन सीक्वेंस वी हैव अ सीरीज एयर जिसकी फर्स्ट टर्म वन है कॉमन डिफरेंस फ्री है लास्ट टर्म एक्स है और उन सब का सम वन सेवेंटी सिक्स है इन द फॉर्मूला ऑफ एस एन वी पुट दिस वैल्यूज वन बाय वन वेरी केयरफुली वी गेट दिस रिजल्ट अब बेटा जो ये आउटपुट मेरे पास आ गया इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इट इज़ वन सेवेंटी सिक्स इंटू टू ऊपर चला गया ना एन टाइम थ्री एन माइनस वन नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाईट वेरी केयरफुल एंड आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इट इज थ्री फिफ्टी टू थ्री एन स्क्वायर माइनस एन इन देंड वी ऑल ऑब्टेन अ वन ऑफ द क्वारडरेटिक इक्वेशन जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय द मीन ऑफ फैक्ट्राइजेशन और बाय दी हेल्प ऑफ क्वारडरेटिक फॉर्मुला तो मैं इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वी आर विलिंग टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है When you need to get the factor here, here we have 3, and when you think about the factor of 352, you have to take 2 as the one term, so then again 2, it is 88, then again 2, it is 44, and again 2, it is 22, again 2, it is 11. So these are the basic factors here. विद दी हेल्प ऑफ दिज ऑल फैक्टर्स वी हैव टू प्लान कि इसका डिफरेंस मेरे पास वन आना चाहिए तो आपको अब थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और ध्यान से सीखना पड़ेगा कि वॉट इज़ दैट पर्टिकुलर वे टू फाइंड आउट इट्स फैक्टर राइट नाउ और मुझे ईजिली विजिबल है ये टू तू टू जा फोर फोर टू जाट एट टू जान टू जॉ थर्टी टू एंड थर्टी थ्री तो एट इज थर्टी थ्री एंड थर्टी टू विच गिव यू आर वैल्यू एज़ वन ओनली एज अ रिजल्ट दिया आ गया थ्री एन स्क्वायर थर्टी थ्री एन प्लस थर्टी टू एन माइनस थ्री फिफ्टी टू इक्वल टू जीरो एक बार री चेक कर लो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस है लास्ट टर्म है इन द टर्म्स ऑफ मिसिंग वैल्यू और एस एन है विद द फॉर्मुला ऑफ एस एन वी ट्राई एंड फाइंड आउट द क्वान्टिटिक इक्वेशन एंड नाउ विद दी हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हम लोगों ने बनाया उसका फैक्टर बस अब आप धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हो क्वेश्चन को कम्प्लीट करने की यहाँ से थर्टी टू कॉमन लीजिएगा हंड्रेड परसेंट यहाँ इलेवन ही बचेगा अब इसमें से एन माइनस इलेवन और थ्री एन प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो आ गया आइदर दी फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू जीरो हो गया और वी आर सेइंग सेकेंड फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो हो गया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फैक्टर वी गेट एन एस इलेवन विच इज़ अ पॉसिबल आंसर बट फ्रॉम दिस सेकेंड फैक्टर वी आर गेटिंग अवर आंसर इन फ्रैक्शन एज वेल एज इन नेगेटिव विच इज कॉन्ट पॉसिबल या तो हमने लिख दिया ये पॉसिबल नहीं है तो एज अ रिजल्ट मेरे पास जो वैल्यू ऑफ एन आ गई वो इलेवन आ गई अब जैसी वैल्यू ऑफ एन इलेवन आ गई हमारे को एन नहीं निकालना हमें तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है तो क्या करेंगे हम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वी नो डैट जो हमारे पास ए एन टर्म है वो एक्स है और क्योंकि एन इलेवन आ गया तो दिस मीन्स इलेवन टर्म एक्स है फॉर्मूला ऑफ इलेवन टर्म इज ए।, ए प्लस टेन डी ए की जगह पे यू हैव टू पुट दैट वन और डी की जगह पे वी नीड टू यूज एज थ्री इन द एंड ऑफ होल सिंप्लीफिकेशन दिस विल गिव यू थर्टी फर्स्ट तो आई थिंक बेटा दिस इज दन ऑफ द वे टू मेक द आंसर टू गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू ऑफ अवर टू डेज लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपके सामने एक ए का यूज किया उस ए का सम पता था डायरेक्टली सम नहीं बोला था बट द वे दे आर इन क्वेश्चन दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 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 का सम वन सेवन सिक्स है तो इट मीन्स इन शॉर्ट दे आर सेइंग इस ए पी का सम वन सेवन सिक्स है तो ए मुझे पता है डी मुझे पता है लास्ट टाइम मुझे इन द फॉर्म ऑफ एक्स पता है और सम पता है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मुला ऑफ समी प्लान एंड फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक देन वी मेक अ फैक्ट्राइजेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ एन एस इलेवन ऑप्शन इज डायरेक्टली आउट क्योंकि इट कॉन्ट पॉसिबल टू हैव आंसर ऑफ एन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर सो वी आर फाइनली फाइनलीट कि जो हमारे पास एन एड टर्म जिसके लिए एक्स चाहिए वो लास्ट टर्म है और यहाँ पे लास्ट टर्म होता है इलेवन टर्म है वी प्लान एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेवन टर्म विच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गिव यू अ वैल्यू एज थर्टी वन ओनली नॉ बेटा वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीआरटी एग्जामलर इन विच वी हैव अ इन्फॉर्मेशन लाइक इन दिस वे सॉल्व द इक्वेशन इस बार इन्होंने कह दिया इक्वेशन को सॉल्व करो और एज यू नो डैट इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें एल एच एस आर एच एस पे इक्वल होता है तो दिस इज माइनस फोर प्लस माइनस वन प्लस टू गोइंग अप टू एक्स गिव यू फोर थर्टी सेवन इट मीन ये सेकंड क्वेश्चन की ही सेकंड फॉर्म हो गई है सेकेंड क्वेश्चन में लिखा था ए पी है एक्स निकालो और यहाँ कह दिए सॉल्व करो तो वेन एवर देर इज अ वर्ड गिवन टू यू सॉल्व दी इक्वेशन तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू जो उसमें वेरिएबल की फॉर्म में चल रही है और बेटा यहाँ वेरिएबल में चल रहा है एक बार फिर से एक्स तो वेन यू ऑब्जर्व दिस सीक्वेंस एंड सीरीज दिस सीरीज अगेन यू विल ऑब्जर्व डैट की जो पहला टर्म आ रहा है वो माइनस फोर है जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर से वो थ्री है एक बार फिर से जो एस एन है वो फोर थर्टी सेवन है एंड वी ऑल्सो नो डाउट की जो इसकी लास्ट टर्म है डेट इज एक्स है और मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बट अगर आप बेसिक की बात कर रहे हो यू आर थिंकिंग अबाउट द बेसिक ऑफ़ दिस क्वेश्चन तो इट इज़ क्वाइट क्लियर एंड सेम एज क्वेश्चन नंबर टू ऑफ टूडेज लेक्चर ओनली अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ एस एन हाउ वी से डैट कि ये एस एन है क्योंकि वी ऑब्जर्व डैट इन सबका सम इक्वल टू फोर थर्टी सेवन दे रखा है तो एस एन इक्वल टू फोर थर्टी सेवन होने की वजह से मैंने एस एन का फॉर्मूला लगा दिया और वी नो डैट द फॉर्मूला ऑफ एस एन इज एन बाई टू 2a plus n minus 1d which is 437. Now we need to put the value of a and d in this particular formula. a is respectively minus 4 and the d of this question is respectively 3. After putting these, this particular result, this particular values of a and d in our formula, we are obtaining the another equation here. So this 8, this is 3n minus 3 a gaya, and here we are left with 437. ना बेटा वट यू हैव टू डू आफ्टर दिस यू नीड एंड यू मेक दिस सिंप्लीफिकेशन एयर एंड ट्राई टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ओनली तो यहाँ आ गया थ्री एन माइनस इलेवन इक्वल टू फोर थर्टी सेवन इंटू टू अब आपको फोर थर्टी सेवन इंटू टू का डबल करना है तो यहाँ पे जो आ गया मेरे पास आ गया थ्री एन स्क्वायर माइनस इलेवन एन दिस इज जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन विद दिस ब्रैकेट एंड देर यू नीड टू मेक अ डबल ऑफ इट तो वी हैव टू मेक अ डबल मल्टीप्लाई बाय टू करना फोर्टीन या सेवन और या एट तो थ्री एन स्क्वायर माइनस इलेवन एन माइनस एट सेवन फोर इक्वल टू जीरो इज अगेन अ वन ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉपरेटिक इक्वेशन तो एक बार फिर से बेटा हम लोगों ने जो ए पी का कंसर्न था वो यूज कर लिया हेयर वी हैव अ ए पी हेयर AP here with the first term as minus 4, common difference in 3 and sum of that terms are 437. When we make a simplification in our question, we are now converted our question into form of quadratic equation. So this is the importance of mass here. कि मैथ्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में खुद स्विच कर जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है तो हम तो ए से चल रहे थे इन द एंड वी ऑब्जर्व डैट कि ए पी छोड़ अब यह कॉड्रेटिक पहुँच गया और अगर ये कॉड्रेटिक पहुँच गया तो अब कॉर्ड्रेटिक के बिहाफ पे इसे सॉल्व करना है और इन द केस ऑफ कॉर्ड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन वन इज वेल नोन विद द नेम फैक्ट्राइजेशन मैथड एंड अनदर इज नेम्ड एज क्वारटिक फॉर्म रहा जिसमें भी आपकी कमांड हो जो भी आपको अच्छी तरह आता हो जो भी आपका फेवरेट हो उसको यूज करना और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन को फाइंड आउट करना फिलहाल मैं आपके लिए इसमें एक बार फिर से अप्रोच लगा रहा हूँ फैक्टराइजेशन के एंड टू गेट दैट फैक्टर्स मुझे पता है मुझे थ्री और एट सेवनटी फोर के फैक्टर्स बनाने हैं थ्री इज ऑलरेडी इन द फैक्टर फॉर्म एट सेवनटी फोर के मैं यहाँ से फैक्टर प्लान करता हूँ तो सबसे पहले मैंने टू लिया आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो अननेसेसरली आएगा तो यही फैक्टर्स के लिए तो फिर मैंने सीधा यहाँ पे टू ले लिया टू पे बेटा ये आ गया फोर थ्री सेवन अब मुझे यहाँ से थ्री लेना है और ये आ गया वन फोर एंड आई थिंक इट इज नॉट डिवाइडेड बाई थ्री आई थिंक सो री चेक इड अगेन थ्री के टेबल पे अगर हम प्लान कर रहे हैं तो थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा है नाउ थिंक अबाउट दिट टर्म जिसमें यह फोर थर्टी सेवन डिवाइड हो सकता है तो यू हैव टू मेक सच फैक्टर्स चा वैल्यूज यू नीड टू फाइंड आउट सचा प्राइम नंबर और वैल्यूज जिसमें यह ईजिली फैक्टराइज हो जाए तो देखो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया कि मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने हैं और मैंने क्या कहा आपको ये फोर थर्टी सेवन है मैंने टू पे चेक किया नहीं जा रहा थ्री पे चेक किया तो एज इट इज अगेन नॉट पॉसिबल थ्री पे डिवाइड नहीं हो रहा है देन वी ट्राई टू मेक अ मोर फैक्ट्राइजेशन प्राइम फैक्टर्स उठाते चलो फाइव नॉट पॉसिबल अगेन सेवन फोर्टी टू एंड सेवनटीन सेवन पे भी नहीं हो रहा है देन आफ्टर दैट इलेवन तो वेन वी थिंक अबाउट द इलेवन ऑल्सो तो इट इज़ नॉट अ डिविजिबल बाई इलेवन ऑल्सो थर्टीन थर्टी नाइन एन दिस थर्टीन पे भी नहीं हो रहा 14 फोर्टीन पे भी फोर्टीन तो है ही नहीं प्राइम फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन पे थर्टी फोर थर्टी फोर और बेटा सेवनटीन पे भी नहीं हो रहा है देन वी आर मूविंग टू आर नाइनटीन नाइनटीन में अगर हम ध्यान से देखें इसे नाइनटीन से डिवाइड करके तो वी कैन से डैट क्योंकि नाइनटीन में देर इज अ चांस लास्ट में सेवन आ रहे हैं ना तो so हम नाइनटीन पर ट्राई कर रहे हैं टू जा आ गया थर्टी एट एंड हेयर वी गेट फिफ्टी सेवन थ्री जा आ गया ट्वेंटी थ्री तो इट्स अफकोर्स माई डियर स्टूडेंट इट इज डिविजल बाय नाइनटीन एंड हेयर वी आर गेटिंग ट्वेंटी थ्री तो दिस इज दी प्राइम फैक्टर ऑफ दिस पटिकुलर क्वेश्चन जिसमें मैंने आपके सामने गिवन क्वेश्चन को फैक्ट्राइज करना पड़ा so तो हेयर इज यू ऑब्जर्व डैट तो प्राइम फैक्ट्राइशन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्योंकि जो फैक्टर्स बन रहे थे वो आज बेसिकली दे आर जस्ट बेसिकली अ फैक्टर ऑफ नाइनटीन एंड ट्वेंटी थ्री वन ऑफ द टू प्राइम नंबर्स बट हेयर वी नीड टू मेक अ फैक्टर्स राइट नाउ एंड दीज फैक्टर्स विल बी जनरेटेड हेयर जस्ट बाई दैशन ऑफ दीज टू टर्म्स हमने डिस्कस किया था ए इन टू सी निगेटिव आ रहा है अब को इसे इस तरह से मल्टीप्लाई है कि उसका डिफरेंस इलेवन आए तो वैन यू थिंक इट केयरफुली तो यू नो डैट ट्वेंटी थ्री इंटू टू फोर्टी सिक्स होगा थ्री नाइन ऑफ फिफ्टी सेवन होगा तो हेर दी डिफरेंस इलेवन राइट नाइनस एन प्लस एट सेवन इक्वल टू जीरो बन गए थे इट इज थ्री एन स्क्वाइनस एन प्लस फोर्टी सिक्स एन माइनस एट सेवनटी फोर इक्वल टू जीरोन यू नीड टू टेक थ्री एन कॉमन इट इज़ एन माइनस नाइनटीन फोर्टी सिक्स कॉमन इट इज एन माइनस नाइनटीन इक्वल टू जीरो थ्री एन प्लस फोर्टी सिक्स बिकम वन ऑफ द फैक्टर एन माइनस नाइनटीन बिकम इट्स अनादर फैक्टर आयदर वी आर प्लानिंग डैट की ये पहला फैक्टर इक्वल टू जीरो आएगा और वी आर प्लानिंग की अनदर फैक्टर इक्वल टू जीरो आएगा विद दी हेल्प ऑफ द फर्स्ट फैक्टर इट इज क्लियर दैट कि वी कांट हैव अ वैल्यू ऑफ एन इन द फ्रैक्शनर और नेगेटिव फॉर्म तो वी इग्नोर इट एंड इन द एंड द वैल्यू ऑफ एन ऑफ़ दिस क्वेश्चन इज बिकम 19 तो बेटा इस तरह से मेरे को इस क्वेश्चन में गिवन बेसिक इन्फॉर्मेशंस की हेल्प से ये कन्फर्म हो गया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ रही है वो नाइनटीन आ रही है नाउ बेटा वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स सिंस वी नो डैट एक्स हेयर मीन्स एनेट टर्म विच मीन्स ए प्लस ए नाइन्टीन टर्म दैट इज ए प्लस एटीन डी एंड हेयर द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस फोर एंड वेन यू थिंक अबाउट द डी दैट इज थ्री अब आप बच्चों को एटीन इंटू थ्री करना है तो दैट इज फोर टू कैरी फिफ्टी फोर तो वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिफ्टी इट मीन्स इस क्वेश्चन की जो लास्ट टर्म आएगी जो वैल्यू ऑफ एक्स आएगी वो 50 है थर्ड वन ऑफ दी सिंपल क्वेश्चन लाइक आ प्रीवियस क्वेश्चन ओनली इस क्वेश्चन में हमारे पास ए पी थी जिससे ए डी लास्ट टर्म और सम पता चल गई और लास्ट टर्म मिसिंग थी वही फाइंड करनी थी सम के फॉर्मूले का यूज़ करके हमने एक कोडरेटिंग बनाई फैक्टराइज करके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमने फैक्टर्स बनाए उसमें एक एन असेप्टेबल आया और एक एन निगलेक्ट हो गया असेप्टेबल एन से मैंने एक्स निकाला जिसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास फिफ्टी ना बेटा वी आर मूविंग टू अर अदर क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर और सीबीएसई टू थाउजेंड ट्वेल्व का वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन है एंड हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन चेक इट वेरी केयरफुली केयरफुल गिवन ए पी है जिसमें पी टर्म क्यू है तो दिस इज वेरी इजिली क्लियर टू हर्म अस की हमारी एपी में पी टर्म की वैल्यू क्यू आ रही है और क्यू टर्म की वैल्यू पी आ रही है शो डैट उसकी एन एट टर्म की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस एन आए सिंस इट इज क्लियर डेट ए पी इज नॉट कन्फर्म तो मैंने माना लेट फर्स्ट टर्म ऑफ रिक्वायर्ड एपी इज ए एंड दिफरेंस ऑफ दिस ए पी इज डी तो मैंने आपके लिए अपने क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म को ए माना और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया सिंस इट इज गिवन डैट की इसकी जो पी टर्म है डेट इज क्यू विच मींस ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्यू च वी ऑप्टेन फ्रॉम दिस गिवन क्वेश्चन एज अवर फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेजन फिर हमारे बताया जो क्यू टर्म है वो पी है एंड क्यू टर्म का मतलब हो गया ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू पी वो जो जनरल टर्म हमने पढ़ी थी बस उसमें इन द्लेस ऑफ पी इन द्लेस ऑफ एन फॉर दी टर्म वी पुट पी और इन दी प्लेस ऑफ एन वी पुट क्यू एज बी नो डाइट पी टर्म है तो यहाँ पी आ जाएगा क्यू टर्म है तो यहाँ q आ जाएगा नाव वट वी नीड टू डू हेयर वी हैव टू सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशन साइमेंटेनियसली टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड d तो so मैंने बेटा आपके सामने ये चीज़ों को इन इक्वेशंस को रीकॉपी कर लिया एक के नीचे एक जिससे कि मैं अब इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकूं यहाँ मैंने माइनस 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 अप्लाई किया ए से ए कट गया ये आ गया पी माइनस वन क्यू माइनस वन कीपिंग दिस डी कॉमन क्यू माइनस पी इज इज ओके वी मेक अ डिफरेंस एयर पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन डी कॉमन क्यू माइनस पी अब इसे फर्दर सॉल्व करूँगा मैं आपके साथ इसको जब हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे बेटा तो प्लीज रिमेंबर एयर यह आ जाएगा पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन डी इक्वल टू क्यू माइनस पी एज इट इज कॉपी कर दिया बस ये माइनस अंदर शिफ्ट करा इसमें वन से वन कैंसिल आउट हो गया इट इज पी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू माइनस कॉमर ले लो P माइनस क्यू पी माइनस क्यू से P माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया द डी वी गेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ D जस्ट बिकॉज ऑफ टू बेसिक इन्फॉर्मेशन वी हैव इन अवर क्वेश्चन सीबीएसई टू थाउजेंड ट्वेल्व का ये क्वेश्चन है पी टर्म को क्यू दे रखा है और क्यू टर्म को पी दे रखा है तो मैंने पी टर्म का फॉर्मुला अप्लाई किया वी गेट फर्स्ट इक्वेशन क्यू टर्म का फॉर्मुला अप्लाई किया वी गेट सेकेंड इक्वेशन देन वी सॉल्व बोथ ऑफ द इक्वेशन साइमेंटेनियसली टू गट दैल्यू ऑफ डी आफ्टर ऑफ टेनिंग द वैल्यू ऑफ डी एज माइनस वन पुट दैट वैल्यू टू ऑफ दब इक्वेशन तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट मैंने कहा ना किसी में भी पुट कर लेना देट इज योअर चॉइस वी गेट तो मैंने यहां पुट करा है ए पी माइनस वन इन टू माइनस वन इक्वल टू क्यू माइनस पी प्लस वन इक्वल टू क्यू तो इट इज़ पी प्लस क्यू माइनस वन तो देखिए वन बाय वन आफ्टर सिंपलीफाइंग अवर गिवन टू इक्वेशंस मुझे ए भी मिल गया और डी भी मिल गया अब मुझे फाइंड क्या करना है मेरे क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ़ किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेटा हम लोग वी आर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन टर्म मुझे इसकी एन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर एन टर्म यू हैव टू रिमेंबर दिस बेसिक फॉर्मुला और इसको निकालने के लिए वी हैव टू रिप्लेस ए विद ए किससे रिप्लेस हो रहा है पी प्लस क्यू माइनस वन और ये एन माइनस वन एंड वॉट यू से अबाउट डी डी इज डी इज माइनस वन तो इट इज ए एन टर्म विच जिसकी वैल्यू आ गई पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस एन प्लस वन वन से वन कट गया आंसर आ गया P प्लस क्यू माइनस एन तो एज अ रिजल्ट बेटा हमार को मिला मेरे क्वेश्चन का एक और नया आंसर अप्रूविंग रिजल्ट जो मुझे वेरीफाई करना था कि इसकी एन टर्म पी प्लस क्यू माइनस एन आनी चाहिए जो एग्जैक्टली exactly सेम आ रही है तो रीचेक कर लेते हैं आराम से पूरे क्वेश्चन को एज इट इज क्लियर डैट कि दिस इज दन ऑफ द गिवन एपी जिसकी पी टर्म क्यू है क्यू टर्म पी है और वी हैव टू प्रूव फॉर द रिजल्ट ऑफ एन टर्म सिंस हमारे को ए पी नहीं पता थी इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को ए मान माना और कॉमन डिफरेंस को डी माना बिकॉज ऑफ दैट मैंने पी टर्म का फॉर्मुला लगाया ए प्लस पी माइनस वन डी और क्यू टर्म का फार्मूला लगाया ए प्लस क्यू माइनस वन डी वी सॉल्व बहुत ऑफ दैम साइमटेनियसली टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी एंड ए आफ्टर ऑफ द वैल्यू ऑफ डी एंड ए वी आर इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट इट्स एन ए टर्म एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एन ए फॉर्मूला ऑफ एन ए टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी एंड सब्सिट्यूटिंग ए एंड डी रिस्पेक्टिवली एज़